एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है दी रिपोर्टर में। और ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसमें तीन पॉइंट कवर होंगे। एक तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि गूगल प्ले स्टोर से जो हाईबॉक्स का ऐप है वो गायब हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये गूगल प्ले स्टोर पर हाईबॉक्स ऐप की लिंक है और यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। ये मैसेज तभी आता है जब या तो गूगल इसको रिमूव कर दे, यानी प्ले स्टोर खुद ही उसको रिमूव कर दे स्कैम की वजह से, फ्रॉड की वजह से, या फिर जो पब्लिशर है यानी जिसका वो ऐप है वो उसको डिसेबल या रिमूव कर ले। तो इन दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकता है गूगल ने डिसेबल किया हो क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही है, उनको स्कैम डिटेक्ट हुआ हो। दूसरा हो सकता है कि हाईबॉक्स खुद ही इसको डिलीट करके भागने के फिराक में हो। ऑलरेडी वो तो डाउन ही है लेकिन अभी यहाँ से सारे प्रूफ डिलीट करने के लिए, क्योंकि हम लोग कई, हम मैं अकेला नहीं, कई लोग ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड करके रखिए, अपना प्रूफ बनाइए। तो हो सकता है कि उस चक्कर में यहाँ से डिलीट हो गया कि लोगों को ज़्यादा और वो कुछ कर ना पाए। दूसरी चीज़ ये कि हाईबॉक्स ऐप में जो हमारे पैसे लगे हैं वो तो लगे ही लगे हैं, उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी पैसों से भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ अभी हाईबॉक्स वालों के हाथ में है, वो है आप लोगों का डाटा। आप लोगों का पैन कार्ड नंबर उनके पास है, याद होगा आप लोगों ने वेरिफिकेशन में पैन कार्ड के फोटोज़ दिए थे, तो वो पैन कार्ड नंबर आपके पास है यानी हाईबॉक्स वालों के पास है, आपका आधार कार्ड का नंबर हाईबॉक्स वालों के पास है, आपका बैंक अकाउंट नंबर उनके पास है, आपका मोबाइल नंबर जो बैंक से एसोसिएटेड है, ज़्यादातर लोगों ने वही मोबाइल नंबर इन लोगों को शेयर कर दिया। तो वो भी अब एक अलग स्कैम के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हमारा डाटा अगर ये भेज देते हैं तो जो स्कैमर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे वो आपके डाटा को लेकर आप पे अटैक करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सावधान रहने के, अपने अपने बैंकों से कॉन्टैक्ट करिए और उनको ये क्लियर बताइए, और जब आप बैंक से कॉन्टैक्ट करेंगे उसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग बना के रखिएगा, उनको ये बताइएगा कि अगर आपके ऑथराइज्ड मोबाइल नंबर के सिवा कहीं से भी बैंक के पास कॉल आता है और किसी भी तरह का डाटा वेरीफाई करने की कोशिश होती है तो उसको वो लोग एंटरटेन ना करें और उसको तुरंत रिपोर्ट करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी अननोन नंबर से फ़ोन जाएगा बैंक के पास, आप बैंक बोलेगी तो बोलेंगे कि हमारा अकाउंट बंद हो चुका है, मोबाइल नंबर बंद हो चुका है या नेटवर्क नहीं लग रहा है या सिम खराब है, तो बैंक अदर वे में उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेगी। जैसे बैंक उन लोगों से पूछेगी कि आपका एड्रेस क्या है, तो एड्रेस ऑलरेडी उनके पास है, आपका पैन नंबर क्या है वो भी उनके पास है, आपके आधार के डिटेल क्या है वो भी उनके पास है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताइए वो भी उनके पास है। तो और दूसरा मालूम है क्या है, सबसे बड़ी बात, हो सकता है कि बैंक उनसे ये भी पूछ ले कि भैया आपके जो अकाउंट में ट्रांजैक्शन क्या हुए लास्ट 4-5 ट्रांजैक्शन, तो वो भी डिटेल उनके पास है, वो भी वो बता सकते हैं। तो इस तरीके से जो है एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है आप लोगों के साथ, तो सावधान रहिए, बैंक को कॉल करिए, अलर्ट रहिए। किसी भी तरह के मैसेज जो आते हैं कि हम साइबर सेल से बोल रहे हैं या कहीं से बोल रहे हैं, तो पहले उसको वेरीफाई करिए, फिर अपने डिटेल शेयर करिए और अपने अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर इस मामले के बारे में बात करिए और उनसे पूछिए कि क्या हो सकता है, क्या FIR होगी, क्या केस होगा। लीगल आप किसी की राय लेने की भी कोशिश करें एक्सपर्ट की, हम खुद कोशिश करेंगे कि आप सबके लिए किसी बड़े लीगल टीम से बात करें और उनकी राय लें, हो सके तो वो उनको उनसे लाइव बात करवाएं जिससे कि आप लोग अपने अपने क्वेरी भी उनसे पूछ पाएं। और अभी एक खबर और आई थी कि फुकरा इंसान ने कोई स्टोरी पेश की है कि वो जो हाईबॉक्स के यूज़र्स हैं जिनके साथ स्कैम हुआ उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जैसे ही हमने वो स्टोरी उनके इंस्टा पेज पर ढूंढने की कोशिश की तो हमें तो मिली नहीं। पता नहीं हमसे देखने में हो सकता है कोई गलती हो गई हो, तो आप लोगों में से अगर किसी को पता है तो उस स्टोरी का लिंक हमें शेयर करिएगा, क्योंकि हमने तो जब जैसे ही पता चला हमने देखने की कोशिश की तो वो स्टोरी तो ऐसे गायब हो गई जैसे दूध में से मक्खी निकल के अलग हो जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों का पैसा है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं, तो आप लोग देखिए क्या डाला है। और अगला वीडियो जो आएगा वो एल्विश यादव पे आएगा, एल्विश ने जो अपना वीडियो डिलीट कर दिया वो वीडियो हमारे पास है, हम उसी को लेकर अगला वीडियो बनाएंगे। तो अपन सिस्टम हिलाएंगे उन लोगों का जिनने अपन लोगों का सिस्टम हिलाया और हाईबॉक्स का सिस्टम बनाया और खुद के घर का सिस्टम बनाया, तो उन लोगों का सिस्टम हिलाने के लिए रेडी रहेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, दो मेन पॉइंट है, आपका डाटा लीक हो चुका है, अब आप देखिए उसके बारे में क्या करना है, हम भी लीगल एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे आपको क्या एडवाइस दे सकते हैं, क्या बेस्ट से बेस्ट अपन लोग अपने सेफ्टी के लिए कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एल्विश का वीडियो आएगा उसको देखिए। तीसरा एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, कई यूज़र्स हमसे बात कर रहे हैं, उन्होंने हमें बताया कि वो अपनी सिचुएशन जो है वो अथॉरिटीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनके लिए एक फुल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि हाईबॉक्स ऐप के बारे में स्टार्ट टू एंड की स्टोरी, कि कब वो हाईबॉक्स आया, कहाँ आया, ठीक है, ऐप को किस किस ने प्रमोट किया और किस किस के कहने पे पैसे लगे और ऐप ने क्या प्रॉमिस करके पैसे लगवाए, जो हाईबॉक्स वाले हैं उनका खुद का एडवर्टाइजमेंट क्या था यानी मिसलीडिंग
एडवर्टाइजमेंट क्या थे, तो ये एक साल से मार्केट में है तो अथॉरिटीज को क्यों नहीं पता चली, ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में उस पर बात करेंगे जो आप लीगल अथॉरिटीज़ को या कंप्लेंट अथॉरिटीज़ को या रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखा पाएंगे, जिससे आप इजी वे में उनको समझा पाएंगे। तो वेट करिए, आज तीन वीडियोज़ डालूंगा जो तीनों ही यही काम के होंगे, आपको अगर सही लगे तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं। जैसे कई लोग पूछ रहे थे कि क्या हम आपके वीडियोज़ का कुछ क्लिप यूज़ कर सकते हैं क्या, आप फ्री हो, पूरा का पूरा वीडियो भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वीडियो कोई पैसे कमाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये सिंपल है। तो आप इसको यूज़ करके आपका जितना प्रॉफिट हो सके, यानी प्रॉफिट मॉनेटेरियल नहीं, आप अपने आप को सेव करने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए, या अपनी कंप्लेंट फाइल करने के लिए, या खुद को एक्सप्रेस करने के लिए हाइबॉक्स के बारे में आप जैसा यूज़ करना चाहें वो ये वीडियोज़ यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो बने रहिए, थोड़ी देर में वीडियोस लेकर आता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन वीडियोस ही होंगी, आप उसको यूज़ कर पाओगे। मैं अभी भी टच में हूँ लीगल अथॉरिटीज़ के, अगर वो कोई भी उनमें से आने को रेडी होता है लाइव ऑन स्क्रीन पे, क्योंकि बैक एंड पे तो कई लोग बात कर लेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो भी आए वो सामने आके आप लोगों से बात करें, और वीडियो पे बात हो, जो क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग वो पूछें, और आप ऐसा अगर वो लाइव आने को रेडी है तो आप लोग भी अपने रियल टाइम क्वेश्चंस उनसे पूछ सकें। तो बस इतना ही अभी के लिए, जल्दी से जल्दी अपने आप को सेव करिए, और इस वीडियो को तो कम से कम सब हाइबॉक्स यूज़र तक पहुंचाइए कि उनके डाटा के बारे में वो अवेयर हो जाएं, उनको बैंक में जल्दी से जल्द कांटेक्ट करें, और लोकल जगहों पर भी कांटेक्ट करके अपने आप को सेव करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।